वालों को ये ना लगे ना कि पढ़ाई नहीं। ओ रिपन वाले आइए आइए आइए, हाँ हाँ आइए आइए, सारे के सारे जल्दी से इकट्ठा हो जाइए। ऑल द रिपन गाइस प्लीज मेंशन दैट यू आर हियर। तो सो टाइप रिपन इन द चैट दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर हियर। ऑल द रिपन गाइस, सर आप बहुत कॉमेडी हो। बेटा मैं कॉमेडी नहीं हूं, मैं बहुत कॉमेडी करता हूं, पक्का साउथ इंडियन है। हम वी आई एम नॉट कॉमेडी। इंटीग्रेशन तो बेटा जरूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ की, ठीक है। हाँ, मामला ही साफ। पता लगे दूसरी बार लिखे तो कुछ और स्पेलिंग लिख दे। मेरे साथ ये दिक्कत है। जितनी बार मैं, अगर कोई मेरे को बोल देता ना तूने स्पेलिंग सही लिखी है, भले ही सही हो, मुझे डाउट अपने पे बहुत आता है। और फिर डाउट आता है, मैं कहता नहीं नहीं यार, वो थोड़ा सा दिमाग मेरा ना इधर उधर हो रहा था, कुछ और लिख दिया। फिर मेरे को पता लगा यार दूसरी बार तो यार ये तो और गंदा लग रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। फिर 3-4 बार करने के बाद मुझे कॉलेज में समझ आया कि यार कॉलेज में पास भी तो होना है, स्पेलिंग के मार्क्स ज्यादा कट रहे हैं अब इंजीनियरिंग से ज्यादा। तो मैंने डॉक्टरी का जो वो होता है ना एक्सपीरियंस अपने दोस्त का यूज किया। वो कहता था कि पहले 2-3 वर्ड जैसे इंटीग्रेशन पढ़ने हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। और टीचर सोचे हमने क्या लिखा है, थोड़ा बहुत INT तक जाते थे, आगे सारा लाइन से खींच देते थे, बराबर है। अब टीचर बोले कि भैया आपने नहीं लिखा है, मैंने कहा सर आप हैंडराइटिंग का मार्क्स भले ही काट लीजिए, इंग्लिश पे बवाल मत उठाइए, इंग्लिश हमारा सही है। हमारे पास आइंस्टीन की भी तो हैंडराइटिंग ऐसी ही थी, बहुत ज्यादा दिमाग जब चलता है तो हाथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे करके ना जब एग्जाम देने लगा तो फाइनली मैं कुछ आता तो था नहीं, बस आगे ऐसे ऐसे खींच देता था। तो हैंडराइटिंग के मार्क्स काट ले एक दिमाग है ना, बचपन से हम ऐसे लिखे तो एक दिमाग काट लीजिए, लेकिन नॉलेज पे और इंग्लिश पे शक मत करिए, ठीक है। हाँ, तो आप भी कभी भी अगर आपको इन केस इन फ्यूचर एग्जाम में अगर इंग्लिश की स्पेलिंग गलत आ रही हो, मतलब याद नहीं आ रही हो, तो आप उसमें थोड़ी सी ऐसे ऐसे कर देना उसी समय, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि और जगह तो आप ऐसे ऐसे लिख रहे थे, द पैलेस नियर, उस जगह का नाम क्या था, विशाखापट्टनम वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे भी मत करना, ठीक है, कि टीचर को समझ आ जाए कि यहां पे कुछ गोलमोल हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो मतलब आपको पता लग रहा है कि इस लाइन में आपको स्पेलिंग नहीं पता है, तो इस लाइन के स्टार्टिंग से ही वैसा रिदम मेंटेन करना है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तिरुवनंतपुरम आ गया तो भाई ऑब्वियस ही बात है खींचना ही पड़ेगा, अब तो कोई वही है ही नहीं है ना। तो इसको ऐसे इतना सुंदर सुंदर नहीं, ये लाइन पूरी ही लाइन ऐसी लिखना कि भैया टीचर को लगे कि भाई बच्चा आलसी हो गया था बीच में, फिर उसके बाद अचानक मुंह पे पानी वानी मार के पेपर दोबारा दिया है, ठीक है। हाँ, ओके चलिए। पता लगे बच्चे ने कहा कि यार विशाखापट्टनम या तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग लिखने में हालत टाइट हो जाएगी, फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया टीचर के लिए, आप भर लेना, हम देखेंगे आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है।